अंडर विच रूल सर? अगर रूल है तो 255, 256, 255, 256। हम ऐसे ही सुना देते हैं आपको सर, क्यों देख रहे हो? 255। अरे आप छोड़िए, एक ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर, हैव ट्रस्ट इन मी। वन सेकेंड सर, सस्पेंशन 255, 256 पे है, उसका एक प्रोसीजर है सर, और शायद मुझसे ज्यादा आप समझ रहे हैं। एक्सट्रीम स्टेप है सर, मैं नहीं कहता घटना सबके सामने हुई है। एक्सट्रीम स्टेप कब उठाया जाए सर? एक्सट्रीम स्टेप जब एक्सट्रीम हो जाए, पराकाष्ठा हो जाए, और जो कहिए मैं दूसरा शब्द यूज कर दूं, लेकिन मैं समझता हूं कि सर पराकाष्ठा भी नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है इसीलिए वोटिंग उस समय नहीं। तो आप कुछ आंकलन देंगे पराकाष्ठा कहां तक जाने चाहिए? हाँ, दूंगा मैं, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं सर कि पराकाष्ठा के बाद सस्पेंशन भी हो जाता है, और उसके बाद वो जो आपके हार्ट पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मेरे कम है, उदारता वाला भाव सर। तो उदारता दिखाते हुए सदन चले, मेरा कहना है कि इस नियम में अभी वोटिंग नहीं हुई, तो वोटिंग ना हो और ऐसे ही इस प्रकरण को समाप्त करें सर। पराकाष्ठा उसको कहते हैं। कौन से प्रकरण को? डेरिक वाला सर, अभी जिसमें पास नहीं हुआ है रिजोल्यूशन। अगर आप भूलते तो अच्छा है सर। एक मिनट यार, प्लीज हमें संभालने दो भैया। सर इतनी देर में बहुत सी बातें हुई, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, अब तक तो आपका मूड चेंज हो गया होगा। नहीं, मैं मानता हूँ, रिपोर्ट में आ गए हैं, और वैसे भी मैं अदर बैकवर्ड क्लासेज में आता हूँ जी, तो मैं बैकवर्ड हूँ ये मानता हूँ, मैं दुनिया आगे चली गई, मैं बैकवर्ड हूँ, पर क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या आप इसको सही और उचित मानते हैं? मैं खुद कि सदन में इस प्रकार का व्यवहार हो, मैं खुद अनुरोध करूंगा सर, मैं और सदन में इस प्रकार का व्यवहार हो कि लोग वेल में आ जाएं। मैं फिर खुद अनुरोध कर रहा हूं सर, सारे सीनियर मेंबर्स अनुरोध कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हर पार्टी के लोग, इंडिया के सदस्य अनुरोध कर रहे हैं कि इसको यहीं छोड़ दें सर, और अपनी उदारता दिखाते हुए, ये मेरा नहीं बढ़ेगा सर, ये तो आपका मान सम्मान। उदारता किस बात की दिखाऊं सर? जो कुछ हुआ मैं आपसे कह रहा हूं विनम्रता। एक बात सुनिए, यदि अगर माननीय सदस्य डेरिक ओब्रायन का इस सत्र के लिए निष्कासन होना था, तो क्या आपको लगता है कि माननीय सदस्य डेरिक ओब्रायन बाहर जाएंगे फिर अंदर आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं क्या? इसीलिए मेरे लिए माननीय सदस्यगण, किसी भी सदस्य के खिलाफ कुछ भी एक्शन होना मेरे लिए बड़ा पीड़ा का विषय है। हाँ, मैं पीड़ा आपकी खत्म करना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहता आपको पीड़ा। मेरे को बड़ा अफसोस है तिवाड़ी जी, कि मेरी पीड़ा को मैंने खुद खत्म किया है, उस समय मेरी पीड़ा को किसी ने खत्म नहीं किया। थैंक यू। मैंने हाउस को अर्जन किया। हाँ। मैंने हाउस का सेंस नहीं लिया। नहीं सर।